हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिखा सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने मायके के हाथरस के बहुत ही प्राचीन मंदिर के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूंगी और मंदिर के दर्शन शेयर करूंगी। ये है हमारी माता रानी चामुंडा माता रानी का मंदिर है। जो लोग हाथरस के हैं वो जानते हैं इस मंदिर की बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो शॉप है ये मंदिर के बाहर है। यहाँ से आप माता रानी की चुनरी, सुहाग पिटारी, नारियल वगैरह जो भी प्रसाद आदि चढ़ाना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। और हम इस गेट से अंदर आ चुके हैं। ये जो आप जितना भी आप व्यू देखेंगे ये सब मंदिर के अंदर का ही है। ये जितनी भी खाली जगह है ये माता रानी के मंदिर के अंदर ही आती है। और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, लेकिन फ्रेंड ये 200 साल पुराना मंदिर है। जो ये माता की आप प्रतिमा देखेंगे इस मंदिर के अंदर वो 200 साल पुरानी है। और तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक कुएं में से माता रानी की मूर्ति निकली थी जिसे एक छोटे से गड्ढे में स्थापित कर दिया गया था। धीरे धीरे माता की जैसे ही ख्याति बढ़ती गई वैसे वैसे मंदिर का निर्माण होता रहा। और फ्रेंड्स, नवरात्रि में यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती। यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है, बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर जो आप मंदिर में ये काल भैरव की प्रतिमा देख रहे हैं, ये जो मेरे बाबा थे ये उनके हाथों से स्थापित की हुई थी। और फ्रेंड्स, आपको हमारी माता रानी कैसी लगी, हमारी माँ चामुंडा माता रानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अब तक इस मंदिर में 15 से 16 महंत अपनी सेवा भाव से अपने यहीं पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा है। और उनकी समाधि भी इसी मंदिर के अंदर है। अब तक जितने भी महंत रहे हैं उनकी समाधि यहीं पर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये 9 देवियाँ हैं नीचे विराजित। और इधर ये यहाँ पर माता रानी की दोनों साइड पर लांगुर की मूर्ति है। और अभी भी आप देख सकते हैं, हाँ, मंदिर का काम अभी भी चल रहा था लेकिन जो कोविड के चलते हुए बहुत काम रुक चुका है। और फ्रेंड्स, ये पहले क्योंकि हमारे हाथरस में बहुत ज़्यादा बंदर हैं तो इसीलिए अब ये वाला एरिया पूरा कवर्ड करा दिया है, वरना पहले जब पूजा पाठ करने आते थे तो बंदरों से लोग बहुत परेशान हो जाते थे। और ये यहाँ पर माता रानी की जब आप परिक्रमा करेंगे तो ये भैरव जी विराजित हैं। और फ्रेंड्स, मैं तो बचपन से यहाँ इस मंदिर में आ रही हूँ और यहाँ पे हमने छोटेपन से देख रहे हैं और अब तक कितना बदलाव आ गया है, जमीन और आसमान का अंतर आ गया है यहाँ इस मंदिर में। और यहाँ पर ये हनुमान जी विराजित हैं, इसमें अंदर हनुमान जी की मूर्ति है। और फ्रेंड्स, हमारे मायके में जब भी कोई लड़के की शादी होती है या कुआ पूजन वगैरह होता है तो वो यहीं पर आते हैं हम पूजा वगैरह करने के लिए। और दूल्हे को भी
जब बारात लेकर जा रहा होता है तो उसे यहीं पर लेकर आते हैं दर्शन कराने माता रानी के, चामुंडा माता पे। और यहाँ पर इसमें विराजित हैं दत्तात्रेय ही महाराज। और अब हम ऊपर चढ़कर जा रहे हैं, यहाँ पर वैष्णो देवी माता का मंदिर है। ये यहाँ पर वैष्णो देवी माँ हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मंदिर में बाहर ताला इसलिए लगा कर रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर हैं, वो प्रसाद आदि माता रानी की पोशाक वगैरह ख़राब कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ताला लगा कर रखते हैं। और इस मंदिर में बहुत बड़ी एक गौशाला भी है जहाँ पर 50-60 गायें रहती हैं। तो फ्रेंड्स इस मंदिर में गौशाला भी 200 साल से ही, इस मंदिर के प्रांगण में गौशाला का भी अलग से व्यवस्था है जहाँ से गाँव की सेवा होती है, उनके दाने पानी का भरण पोषण होता है। और ये यहाँ पर राधा कृष्ण की जी विराजित हैं इस मंदिर में। और यहाँ पे श्री राम दरबार भी आपको देखने को मिलेगा, श्री राम जी का पूरा परिवार विराजित है। और फ्रेंड्स पहले ये सब कुछ खुला हुआ था लेकिन अब सब बंद करवा दिया है, वरना बहुत दिक्कत होती थी यहाँ पर पूजा पाठ करने में, बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और माता रानी के जस्ट सामने ही यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर स्थापित है। फ्रेंड्स ये हमारा चामुंडा मंदिर था, मैंने आपके साथ पूरे दर्शन शेयर करे हैं। और अगर आपको हमारा माँ चामुंडा मंदिर का दर्शन अच्छे लगे हो, माता रानी के दर्शन करके आपका भी मन खुश हुआ हो जैसे मेरा हुआ है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स ये माँ मंदिर के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाकर चुनरी चढ़ाकर बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर खुली जगह भी काफ़ी है और बंद जगह भी काफ़ी है, तो आप आराम से यहाँ बैठकर आराम से दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो आप कुटिया देख रहे थे, यहाँ पर नवरात्रि में सचंडी हवन यज्ञ होता है जो पूरे 9 दिन चलता है। और फ्रेंड्स मैं अपने मायके आई थी तो मुझे लगा मैं आपके साथ अपनी माता रानी के दर्शन ज़रूर शेयर करूंगी और अपने हाथरस के इतने प्राचीन मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी भी शेयर करूंगी। और जो लोग हाथरस के हैं वो जानते हैं इस मंदिर की महिमा कितनी है माता रानी की। और फ्रेंड्स ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये हमारा अपना मंदिर है फ्रेंड्स। ये मेरे बाबा ने यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर बनवाया था, ये छोटा सा। ये हमारी जो खाली जगह थी, चौपाल बोलते हैं जैसे, ये हमारी चौपाल पर बना हुआ है। और ये बाबा ने क्या बनवाया, ये शिव जी की ही कृपा है जो उन्होंने बनवाया मंदिर। हम कभी खुद से सोच के नहीं बनवा सकते, जब तक भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद ना हो और भगवान ना चाहें। भगवान हर किसी के नसीब में नहीं होता कि उनका मंदिर या उनके लिए हम कुछ भी कर पाएँ। और ये मेरे बाबा ने मंदिर भगवान की ही कृपा से, भगवान ने ही यहाँ पर बनवाया है, बस उनके द्वारा बनवाया गया है। लेकिन ये शिव जी ने खुद बनवाया है ये छोटा सा मंदिर। और मैंने बचपन से यहीं पर पूजा अर्चना करी है, शादी से पहले तक मैं जब भी आती तो दर्शन ज़रूर करती हूँ, ये बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। और फ्रेंड्स मंदिर छोटा हो या बड़ा, यहाँ पर एक मूर्ति विराजित हो या अनेक मूर्ति, लेकिन वह स्थान जहाँ भगवान होते हैं वो स्थान दुनिया का सबसे सुंदर स्थान होता है और सबसे सुकून भरा, जहाँ पर जाकर आपको अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, शांति प्रदान होती है। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहूँगी, आप भी अपनी आस्था और अपनी पूजा पर हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि जिनके साथ भगवान होते हैं उन्हें कभी किसी से डरने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। और फ्रेंड्स आपको मेरा ये शंकर जी का मंदिर और माता चामुंडा का मंदिर कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ, ये है मेरी माता रानी जो 200 साल पुरानी मूर्ति मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, माता की प्रतिमा चामुंडा माता रानी। और मैंने भी कुछ पिक्चर्स की कराई थी अपनी माता रानी के साथ। और फ्रेंड्स आप सब भी हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अपने परिवार का और अपना पूरा ध्यान रखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शिखा सिंह ब्लॉग्स। थैंक यू एंड जय माता दी।